हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एज फ्रॉम अल्फा के बारे में। एज फ्रॉम अल्फा एक ऐसा प्लगइन है जिसको हम लोग एजेस के ऊपर सीसी कर सकते हैं। मतलब पेंट में हम क्या करते हैं एज फ्रॉम अल्फा से, और कुछ ऐसे ट्रिक है जो विदाउट प्लगइन्स के भी हम एजेस के ऊपर सीसी कर सकते हैं। एज मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, यहाँ मैंने एक शॉट लिया था, ओके, ये शॉट था मेरा, इसको मैंने क्लीन किया, सिम लाइन को मैंने क्लीन किया, इसको बोलते हैं सिम लाइन, ओके। इसको मैंने रोटो करके रिवील किया। तो क्या होता है गाइस, समटाइम क्या होता है ना, हमें किसी शॉट पे अगर इसके पीछे कुछ निकालना होता है और इसको जब रिवील्स करते हैं फ्रंट में, तो कभी कल इसके एजेस पे, इसके एजेस पे गाइस क्या होता है ना, हमें सीसी करने होते हैं, यहाँ पे ना सीसी करना होता है, एरिया पे हम लोग सीसी करते हैं। तो गाइस, ये जो मेथड है विदाउट प्लगइन और प्लगइन्स के मदद भी आप यूज कर सकते हो गाइस, ओके। तो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले जो प्लगइन है एज फ्रॉम अल्फा, अपने पीसी में कैसे ऐड करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसको अपने पीसी में ऐड करने से पहले न्यूक को बंद कर देना आप, ओके। यहाँ पे कॉपी करना इसको, अपने सी ड्राइव पे आना, विंडो सी में आना, यहाँ पे एक नाम रहेगा, उसका नाम रहेगा यूजर, यहाँ पे एक नाम रहेगा जो आपका सिस्टम का नाम रहेगा, यहाँ पे वो नाम यहाँ पे रहेगा, ओके। उसके बाद न्यूक में आना है आपको, और यहाँ पे बस पेस्ट कर देना आपको, ओके। मेरा ऑलरेडी पेस्ट है तो मैं कॉपी टू रिप्लेस कर सकता हूँ, पर मैं करूँगा नहीं, ओके। तो यहाँ पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे टैब प्रेस करना और एज फ्रॉम अल्फा लिख सकते हो आप। अगर यहाँ पे प्लगइन नहीं मिलता आपको, इस एरिया प्लगइन नहीं मिलता है, तो डोंट वरी गाइस, यहाँ पे सिलेक्ट करना इस वर्क एरिया को और यहाँ प्रेस करना एक्स, यहाँ पे वो नाम लिखना, पूरा सटा के यहाँ पे एज फ्रॉम अल्फा लिखना, तो वो प्लगइन जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। और गाइस डोंट वरी, यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं किसी भी प्लगइन को, क्रिएट टू सेट कैसे करते हैं मैं बताऊंगा एक वीडियो में, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। किसी भी प्लगइन्स को अगर यहाँ पे ऐड करना है तो कैसे करना है मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे, ओके। सो हम लोग गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे आना और चैनल सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन बटन, ओके गाइस। सो अभी हम लोग टॉपिक पाते हैं। टॉपिक क्या है मेरा गाइस, जैसा शॉट चाहा मैंने वैसा मुझे तो नहीं मिला, पर डोंट वरी गाइस, इस मेथड को आप ट्राई करने पर, कभी भी फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप ट्राई करना गाइस। सबसे पहले इस नोड पे एक ऑप्शन होता है, इसको आपको लगाना है रिवील्स के पास, यहाँ रिवील्स के पास लगाना है 1 2, यहाँ पे 1 कर सकते हो, यहाँ पे 2 कर सकते हो। यहाँ पे 2 करने के बाद यहाँ पे आना है आपको, प्रेस करना है ए, मतलब अल्फा प्रेस करना है, अल्फा ऐसा आता है, ठीक है। अभी गाइस क्या करना है, आपका वर्क इस एरिया पे है तो इसका जो एजेस है, आप एक रफली रोटो मारो, ऐसे ऐसे एक रफ रोटो मारना है आपको, और इस रोटो को आपको एनिमेट कर लेना है। मैंने ऐसे एनिमेट कर लेता हूँ, ओके। तो मैंने इसको एनिमेट कर लिया, ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे इसी एरिया पे सीसी हो, मेरा मतलब जो एरिया है इस एरिया पे ही सीसी हो, ये तो ऑलरेडी मतलब वर्क किया वो दिखा रहा है, ओके। सो गाइस, इस प्लगइन को कॉम्प आर्टिस्ट भी यूज करते हैं अपने एजेस को ब्लेंड करने के लिए या सीसी करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग भी कभी कभी इसको यूज करते हैं जब फेस करते हैं ऐसा प्रॉब्लम, तो हम लोग यूज करते हैं। तो ये करने के बाद गाइस, आपको सीधे ग्रेड नोट लेना है, यहाँ पे इसको अटैच करना है और इसको यहाँ पे अटैच करना है, 1 2। अभी गाइस क्या होता है ना, इसको जब अटैच कर दोगे आप ऐसे, तो इसके बीच में आपको एक मर्ज टूल लेना है, और इसको पहले आपने जो यहाँ पे क्लिक करना यहाँ पे, और यहाँ पे फिर अल्फा करना, सबसे पहले इसको कट कर लेना। तो अभी आपको यहाँ पे आना है, ऐसा आ रहा है जो आपने रोटो लिया, तो ऐसा आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप इन मास या मैट कुछ भी ट्राई करो और चेक करो कि आपका वो जो अल्फा उतना ही आना चाहिए। मैं इन किया, इन में काम कर गया, मैंने मास किया, मास में भी काम कर गया, मैट किया उसमें नहीं काम किया। तो इन या मास करके भी आप इसको कट कर सकते हो। तो मैंने इन करके अल्फा काट लिया, पहला ऐसा था अभी ऐसा है, ओके, पहला ऐसा था अभी ऐसा है। अभी गाइस क्या करना है, 1 2। तो गाइस अभी क्या है, आपको सपोज एग्जांपल ले लो, आपको इस एरिया पे सीसी करने बोले हैं, मतलब बोला जाए कि थोड़ा लाइट इंक्रीज करो, थोड़ा सा और ग्रीनस होगा, तो इस पे आके गाइस अपने हिसाब से ग्रेड नोट पे आके 1 2 यहाँ पे आके थोड़ा सीसी इंक्रीज कर दो, एज पे सीसी हो गया। अब गाइस को ब्लेंड करना है, तो आप ब्लेंड इसके अंदर से भी कर सकते हो, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, एज ब्लेंड है, तो ये सब कर सकते हो। एक बार प्रॉपरली कि क्या क्या वर्क करता है, किसी भी प्लगइन्स को अच्छे से चेक करना है, तो आप ऐसे चेक करो, इसको इंक्रीज करो तो वो ब्लर हो रहा है, फिर ये सब इंक्रीज करो, तो ये सब चेक करके ट्राई करो आप कि कैसा सीसी इंक्रीज हो रहा है। देखो अंदर चला गया,
तो ऐसा ट्राई कर सकते हो आप, चेक करो अपने हिसाब से. ओके ओके तो हो गया. अगर आपको गाइस ब्लर करना है उसको बहुत अच्छे से, तो ब्लर नोड यहाँ लगाओ और यहाँ पे अटैच करो और ब्लर ऐसे कर सकते हो आप. ओके और मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे इंक्रीज करूँगा अंदर के साइड. गाइस आप देख सकते हो पहले थोड़ा ब्लैक था यहाँ पे, मैंने थोड़ा एजेस पे सीसी किया. तो गाइस इस मेथड से आप एजेस पे सीसी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू शॉट. अभी कैसा है वैसा शॉट मुझे मिला नहीं जिसपे आपको दिखा सकूँ कि मैं कैसे सीसी करना है इसको है. ये मेथड ट्राई करना एक बार, आपके पूरे एजेस पे सीसी कर देगा ये. ओके तो आप ट्राई करना और अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो. मैं डिफॉल्ट से वो कर दिया हूँ, तो अपने हिसाब से गाइस मैनेज करो. ओके सीसी करना है सीसी करो, कलर मिला करना तो कलर मिला सीसी करो, ऐसे भी कर सकते हो आप. यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, ऐसे आप सीसी कर सकते हो, ग्रीन में आके भी सीसी कर सकते हो, ब्लू में भी आकर सीसी कर सकते हो. मतलब इस पर आप गाइस एजेस पे सीसी कर सकते हो, या आपका हर फ्रेम प्रॉपर होगा, कोई भी रोटो में इशू नहीं होगा, क्योंकि ये अल्फा ही इसके एजेस को कट कर लिया है. तो किसी भी मतलब किसी भी एजेस पे प्रॉब्लम नहीं आने वाला, आपका हर फ्रेम ऑटोमेटिकली लेगा. एक फ्रेम मैच किए तो ऑटोमेटिकली हर फ्रेम अच्छे से ले लेगा ये. ठीक है तो ये मेथड था आपका एज फ्रेम अल्फा का. अब दिखाता हूँ विदाउट प्लगइन्स कैसे यूज करते हैं हम लोग. तो इसको हम लोग ऑफ करेंगे, साइड करेंगे. ये हमारा रोटो है, तो यहाँ पे हम मर्ज नोड लेना. मर्ज नोड लेने के बाद गाइस इस पे अटैच कर सकते हो और यहाँ पे अटैच कर सकते हो जहाँ फाइनल रोटो आपका है. इस पे क्लिक करना, यहाँ पे दो तीन ऑप्शन ट्राई करो आप. सबसे पहले आप इन ट्राई करो एक बार और यहाँ पे अल्फा प्रेस करो. इन में गाइस आ गया ये. इन कर सकते हो, मास्क कर सकते हो, ये ऑप्शन भी कर सकते हो, माइनस कर सकते हो. इसमें तीन चार ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो और इसको सेम रोटो ऐसे एक रफली रोटो जो आपने मारा है सेम रोटो ले लो और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं. ठीक है गाइज, इतना होने के बाद सेम चीज़ गाइज जो आपने यहाँ पे किया था वो चीज़ मैंने यहाँ पे एक रोटो से ही कर दिया. ओके यहाँ पे ग्रेड नोट लेना है आपको, यहाँ अटैच करना है इसको, इसको यहाँ पे अटैच करना है. सेम थिंग इसको कट कर लेना हमें अपने मैट को. इन कर लेता हूँ मैं, इन से मैट कट हो गया. ओके अभी गाइस इसको हम यहाँ ब्लर ऐड कर सकते हैं 1 2. अब गाइस 1 2 इसको भी सीसी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं. वन टू तो गाइस देखा आपने, ये थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया, इसको आप कट कर लो, हटा दो, नहीं चाहिए उस एरिया को, ऐसे कर लो. ओके तो गाइस देखो एजेस पे सीसी हो गया. तो गाइस यही मेथड है जो हम लोग एजेस के ऊपर सीसी कर सकते हैं. आपको ना मतलब कभी कल ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़े कि एजेस पे थोड़ा डार्कनेस हो गया है तो लाइट बढ़ाना है, तो इसको लाइट इंक्रीज कर सकते हो गाइस. ठीक है अपने हिसाब से, शॉर्ट के हिसाब से, अगर जब भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हो आप तो ये ट्राई करना. ये विदाउट प्लगइन्स मेथड है और ये प्लगइन्स का मेथड है. और एक और टेक्निक है गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ. उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है. अभी कैसा है कि आपने रिवील्स यहाँ से किया 1 2, ये आपका रिवील्स है. तो इस रिवील्स के बीच में आके आपको जिस एरिया को सीसी करना है, सपोज आपको इस एरिया का सीसी करना है इस एजेस का, तो इसको आपको ऐसे रोटो मारना पड़ेगा. ऐसे रोटो मार के आपको इसको एनिमेट करना पड़ेगा. ठीक है मारने के बाद यहाँ जो मास दिया हुआ है इसको लगाना आपको यहाँ पे, पर ये रिवील्स के पास जिस एरिया से आपका रिवील जाता है उसके पास ही इसको अटैच करना है. ओके यहाँ ब्लड ऐड करो आप, पर इसमें एक प्रॉब्लम होता है 1 2. अभी हम जो सीसी करेंगे ना तो एक प्रॉब्लम होता है ऐसा. देखो ये क्या करता है, पूरे इसको भी इफेक्ट करता है, पर हम लोग को तो सिर्फ एज पे चाहिए तो ये प्रॉब्लम करता है. तो आप इसको टेक्निक यूज कर सकते हो, पर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, रोटो लेके सेम थिंग की मिक्स लेके आपको दोबारा रिवील करना पड़ेगा. इसके नीचे लगा के आपको दोबारा एक बार फिर से रिवील करके 1 2 और इसको रिवील दोबारा करना पड़ेगा. इसका इरोड को थोड़ा सा कम बेसी करना पड़ेगा ऐसा 1 2. तो आप देख सकते हो गाइस ये भी मेथड आप यूज कर सकते हो. बहुत सारा टेक्निक है आप यूज कर सकते हो. ऐसे मेथड मैं यूज करता हूँ खुद के शॉट के लिए. गाइस कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस होता है एजेस पे सीसी करने का, आप ये मेथड ट्राई करो. 3 मेथड आपका जरूर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो ऐसे और वीडियो के चैनल सब्सक्राइब करो. थैंक यू गाइस.